सब्सक्राइब कीजिए शेखावत टेक्निकल को और ज्वाइन कीजिए हमारी टेक फैमिली को। ए नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश शेखावत आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने ही एक्साइटिंग चैनल शेखावत टेक्निकल में। दोस्तों अगर आज हम बात करते हैं Redmi Note 4 के न्यू स्टेबल अपडेट MIUI 9.5.10.0 के ऊपर, दोस्तों ये अपडेट फाइनली परसों शाम को रोल आउट कर दिया गया था, यानी शनिवार की शाम को रोल आउट कर दिया गया था। कुछ लोगों को ये अपडेट मिल गया है, कुछ लोगों को अपडेट नहीं मिल पाया है। ऐसा मान के चलिए कि Redmi Note 4 के यूजर्स है 100%, उसमें से केवल 1% लोगों को ये अपडेट मिला है, और जिनको मिला है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, और जिनको नहीं मिला वो तो बैठा है कि हमें अपडेट कब मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्यों डाउनलोड नहीं कर पा रहे, जिन लोगों को अपडेट नहीं मिला है उसका कारण क्या है। देखिए कारण जानने से पहले अगर हम जान लेते हैं इस अपडेट में क्या कुछ खास आया था। इस अपडेट में जो Redmi Note 4 के लिए रोल आउट किया गया था MIUI 9.5.10.0, ये 55 MB का अपडेट था। इसमें लिखा हुआ था फिक्स बग्स, यानी कुछ माइनर बग है वो फिक्स किए गए थे, और यहाँ पीछे नीचे उसकी सेकंड लाइन है उसमें लिखा हुआ था आपका सिस्टम UI को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया गया है, UI को स्मूथ कर दिया। चलिए अच्छी बात है, 55 MB के अपडेट से हमें यही उम्मीदें थी कि यही कुछ किया जाएगा, तो ये हमारे सामने होता क्लियर। लेकिन ये अपडेट सभी को क्यों नहीं मिला और जो इनको मिला है वो डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे हैं उसका रीजन जान लेते हैं। देखिए जिनको अपडेट मिल गया है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे उसका सिंपल सा कारण है, और जो डाउनलोड कर भी लेते हैं वो 99% जाके अटक जाता है उसका भी कारण यही समझ लीजिएगा। अभी अपडेट जो डाउनलोड हो जाता है डाउनलोड नहीं हो रहा है उसका कारण है कि अपडेट सस्पेंड कर दिया गया है। मेरा भी एक दोस्त है उसको अपडेट मिला था, हालांकि मैं लकी नहीं हूँ, दोस्त लकी क्या कर सकते हैं, अनलकी हूँ मैं, चलिए अलग है। जो मिला है अपडेट उसको अपडेट मिला था वो अपडेट डाउनलोड नहीं कर पाया, तो मैंने उसको कह दिया भाई अपडेट मिला है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सिंपल सा रीजन यही है कि अपडेट सस्पेंड कर दिया गया है। और बाकी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि यार भाई अपडेट मिला है लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाया, उसका कारण क्या, 99% पर अटक रहा है बार बार, तो कारण क्या, उसका कोई रीजन बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो मैंने कहा भाई इसे अपडेट सस्पेंड हो गया तो आप डाउनलोड करने की कोशिश ना करें, अब डाउनलोड नहीं होगा, सिंपल सा कारण है। अब आप पूछ रहे हो कि यार अपडेट सस्पेंड क्यों हो गया, 55 MB का अपडेट था उसमें तो कोई फाइनली बग फिक्स किए जा रहे थे, उसके अलावा क्या बग था जो उसमें अपडेट सस्पेंड कर दिया गया। भाई बग जो था वो गैलरी में था सर, अगर अपडेट कर लेते तो आपको गैलरी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। अगर आप गैलरी में जाके अगर कोई वीडियोस देखने की कोशिश करते थे, जैसे आपने कोई मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखते थे तो वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाती थी, आपकी जो गैलरी है वो गैलरी का ऐप वो ऑटोमेटिकली क्रैश हो जाता था और बैकग्राउंड से भी हट जाता था। पता नहीं कारण क्या था, वो सिंपल से लिखा हुआ था वहाँ पे तो मैंने बता दिया आपको, तो वो ऑटोमेटिकली हट जाता था। तो उनको मैंने बता दिया कि या तो आप डाउनग्रेड कर लीजिए या फिर आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लीजिए, आपके सामने दो ही ऑप्शन निकल के आते हैं। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट अपडेट वैसे जल्दी आप किसी ने अपडेट कर लिया है तो उसके लिए जल्दी ही रोल आउट किया जाएगा, क्योंकि अपडेट जो बग रहता है उसको निकालने के लिए अपडेट को रोल आउट किया ही जाता है, तो आप वेट कर लीजिए कुछ टाइम। जो गैलरी में जो वीडियोज देखते हैं उसकी जगह आप वीडियोज का कुछ पर्टिकुलर ऐप आता है उसमें जाके चेक देख लीजिए, तो वो एक अलग बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई ऐसे ही कर लेंगे हम, तब तक वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट का, तो आप नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लीजिए। वैसे इस अपडेट में अगर जिसको मिल गया तो अपडेट ना करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो आपकी गैलरी है वो बार बार क्रैश होती रहेगी और आप बार बार परेशान होते रहेंगे क्या कारण है क्या कारण है, फिर आप मुझे पूछेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया सिंपल सा। और मेरे पास तो अपडेट आया नहीं तो मैंने किया भी नहीं, तो आपको रिव्यू तो कहाँ से, तो रिव्यू तो सिंपल सा यही था 55 MB का अपडेट में क्या रिव्यू दूँ आपको मैं, कुछ बग्स से तो फिक्स किए जाने वाले थे उसमें रिव्यू क्या देने का, वो सिंपल सा आप खुद भी समझ सकते, इतना समझदार तो आप खुद भी हैं कि कुछ बग ही फिक्स किए गए, नया फीचर तो आएगा नहीं 55 MB में। आप ही जाए तो मैं बता देता अलग से आपको वीडियो बना के, भाई कोई मतलब वाली बात नहीं है इस अपडेट में, तो बग ही फिक्स किया जाता है। अब जब तक MIUI 10 नहीं आया था तब तक तो कुछ ऐसा ही सब चलने वाला है। अब आप सोचिए कि MI फालतू जो अपडेट्स आते हैं ना उनको करना बंद कर दीजिए, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए कि MIUI 10 कब आएगा। अगर आप बीटा वर्जन में है तो आपको जल्दी मिल जाएगा अपडेट, और स्टेबल वर्जन में है तो आपको अक्टूबर नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, वही काम है। तब तक आप चलाइए जिस पे है MIUI 9.5.9.0 के ऊपर, मजे लीजिए, मैं भी वही चला रहा हूँ। हालांकि मेरे पास दो है, तो एक बीटा वर्जन है तो एक स्टेबल वर्जन है, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना था, कि वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और ज्यादा वीडियो पसंद आ गया हो तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो फाइनली आज के वीडियो में इतना, मैं मिलता हूँ आपको अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।